ओके okay, तो अब हम बात करते हैं सर्वाइकल इम्पोर्टेंस की इसका मतलब क्या है जो सर्विक्स है वो ख़राब हो चुकी है इम्पोर्टेंट है कोई काम की नहीं है ठीक है ऐसा होता क्यों है इसके अंदर क्योंकि जो सर्विक्स होती है वो अपनी रिटेंटिव पावर जो होती है वो लूज़ कर देती है इसके एनाटोमिकल कोजेज़ भी हो सकते हैं फंक्शनल कोजिज़ भी हो सकते हैं जैसे कि स्टिल बर्थ में डैमेज हो गया या फिर पी प्रोम के अंदर या इस्पॉन्टेनियस प्रीटम बर्थ ये सब रिस्क फैक्टर भी होते हैं अब इससे होता क्या है पेनलेस डायलेशन होता है सर्विक्स का और उसके तत्पश्चात पेनलेस एक्सपल्शन हो जाता है जो भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है उसका मिड ट्राइमेस्टर ठीक है मैनेजमेंट क्या होता है मैनेजमेंट इसका होता है सर्वाइकल सर्कलास तो होता क्या है इसके अंदर सर्विक्स को स्ट्रेंथन किया जाता है कैसे करते हैं एक नॉन एब्जॉर्बेबल टेप जो होता है उसे हम चिपका देते हैं सर्विक्स के अराउंड एट द लेव ऑफ़ इंटरनल ओस ठीक है एक होता है प्रोफेलैक्टिक सर्कलास एक होता है इमरजेंसी सर्कलास तो प्रोफेलैक्टिक सर्कलास जो होता है वो हम प्रीवियस फीटल लॉस जो हुआ है पिछली प्रेगनेंसी में उस टाइम पीरियड के चौदह वीक पहले हम प्रोफेलेक्टिक सर्कलास कर देते हैं और इमरजेंसी सर्कलास कब करते हैं इट शुड ओनली बी डन वेन देर इज अ बल्जिंग ऑफ मेमरेंस बल्जिंग ऑफ मेमबर थ्रू द डायलेटेड सर्विक्स तो उस कंडीशन में हम करते हैं इमरजेंसी सर्कलाज अब बात कर लेते हैं कि कॉमनली यूज टाइप्स क्या होते हैं सर्वाइकल सर्कलाज के तो एक होता है मैकडोनल्ड्स प्रोसीजर होता क्या है वही सिम्पल होता है वही नॉन एब्जॉर्बेबल टेप होता है इसके अंदर मटीरियल होता है जैसे मर्सिलीन कहते हैं मर्सिलीन और उसे चिपका देते हैं इंटरनल ऑस के अराउंड सो दिस इज अबाउट सर्वाइकल इम्पोर्टेंस एंड सर्कलॉज